नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ केशव दास का जीवन परिचय। अगर हमारी वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय। केशव दास का जन्म 1555 मध्य प्रदेश के ओरछा में हुआ था तथा केशवदास काफ़ी मिलनसार और भावुक दिल के व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम काशीनाथ था। ऐसा कहा जाता है कि इनकी महाराजा अकबर बिरबल और टोरमल से काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। इन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया तथा इनकी परंपरा को अपनाया, जिसमें उन्हें दरबारी कवि भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इनकी रचनाएं। बीर सिंह देव चरित्र, रामचंद्रिका, जहांगीरी, जस चंद्रिका, कवि प्रिया, नक्षिक, रत्न भावनी, विज्ञान गीत, रसिक प्रिया आदि इनकी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं भाव पक्ष। केशव दास ने प्रमुख रूप से अपनी रचना में श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। उनकी रचना में प्रायः सभी रसों का वर्णन मिलता है, जिसमें उन्होंने सभी अंगों का सहयोग पूर्ण रूप से वर्णन किया है। केशवदास जी ने अपनी पात्रों में नीति तत्वों का भी प्रयोग किया है और उनके संवादों में वीर रस की वीर प्रधानता होती है। आइए देखते हैं कला पक्ष। केशवदास ने अपनी भाषा में संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है तथा ब्रज भाषा को भी अपनाया है। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे गुणों का समावेश मिलता है जिसमें उन्हें काव्य ग्रंथों की रचना की उनकी शैली व्यंग्यात्मक है। आइए देखते हैं साहित्य में स्थान। केशवदास उच्च कोटि के रसिक कवि कहलाते हैं। उनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से शास्त्रीय गुणों का प्रयोग हुआ है। केशवदास के लक्षण ग्रंथों में उनका नाम सदैव अमर है। राष्ट्रवादी प्रतिभाव से परिपूर्ण केशवदास जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आइए देखते हैं इनकी मृत्यु। संस्कृत के अनेक छंदों को अपनी भाषा में ढालने वाले कवि केशवदास जी का सन 1617 ईस्वी में निधन हो गया था। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।